अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन का इंतजार करोड़ों सनातन कर रहे हैं। मंदिर निर्माण तेजी से हो रहा है, वहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित की जाने वाली मूर्तियों के लिए नेपाल ने 2 विशाल शालिग्राम भेजे। यूपी के जनपद एटा के थाना देहात कोतवाली के अंतर्गत सिकरा गांव में दंपति की हत्या कर दी गई। घटना के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हत्याकांड के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाराबंकी जिले में 2 लड़कों को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल हुआ। इन लड़कों को पेड़ से बांध कर पीटा गया। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण का अपमान करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव द्वारा महासचिव बनाए जाने से संतों ने मठ मंदिरों से सपा नेताओं को बहिष्कृत करने का ऐलान किया। वाराणसी में एक प्रेमी ने प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बात करते हुए फांसी लगा ली। प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, इसी बीच दोनों में विवाद हुआ और महबूज ने फांसी लगा ली। यूपी के हापुड़ में प्रेमिका के दूल्हे के घर पर धमकी भरा पोस्टर लगाने का मामला सामने आया। इस मामले में SSP हापुड़ ने परिवार को सुरक्षा देने की बात कही। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा है गर्व से कहो हम शूद्र है, जो अब सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध मंत्रणा में संक्रिय संस्थाओं व संगठनों को करारा जवाब दिया। योगी ने कहा कि सभी को सनातन धर्म पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। रामचरितमानस की चौपाइयों पर टिप्पणी कर विवादों में आए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोमवार को अयोध्या के महंत राजू दास का नाम लिए बगैर उन पर पलटवार किया। मथुरा के मांडमुला में एक युवक ने ट्यूबवेल की कोठरी में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि युवती ने विषाक्त का सेवन कर लिया। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। खेती करने के बहाने करीब आए व्यक्ति ने होमगार्ड की पत्नी के साथ जबरन दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया। बाद में वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर रंगदारी वसूल करने लगा। आगरा में थाना जगदीशपुरा के गढ़ी भदौरिया क्षेत्र में स्ट्रीट डॉग का बच्चा सूखे कुएं में गिर गया। 2 दिन तक बच्चा कुएं में ही पड़ा रहा। 2 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद 70 फीट गहरे कुएं से कुत्ते को बाहर निकाला गया। थाना कोतवाली पुलिस ने सातिर हेरोइन तस्कर को लगभग 10 लाख रुपए के मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मुरादाबाद में कलेक्ट्रेट पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। आजमगढ़ जिले में आम आदमी पार्टी ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया। आपके नेताओं ने भाजपा सरकार की वादा खिलाफी को लेकर नारेबाजी करते हुए राज्यपाल को संबोधित करते हुए ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कासमगंज की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले में धारा 144 लागू की। इंडियन मुजाहिदीन के संचालक शहजाद अहमद को सोमवार को आजमगढ़ के सुपुत्र खाक किया गया। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आतंकी शहजाद अहमद उर्फ पप्पू को शनिवार को मौत हो गई थी। यूपी में रामचरितमानस का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी और सपा के बीच चल रहे वार पलटवार के बीच मायावती का पहला बयान सामने आया। बसपा प्रमुख ने अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए इस पूरे प्रकरण को भाजपा और सपा की मिली भगत बताया। फतेहपुर में 8 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या करने के मामले में आरोपी को फांसी की सजा मिली। कोर्ट ने आरोपी पर 45,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रयागराज में माघ मेले में देश भर से आए संत यहां धुना तपस्या में लीन है। कभी अग्नि को सिर पर रखकर तो कभी गोद में रखकर अनोखी तपस्या कर रहे हैं।